burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन के आर्य मैथमेटिक्स कोच, और एक बार फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं। आपने इससे पहले वाली वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल सीखा, जिसके अंदर डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिलती थी, उसको सॉल्व करते थे। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उन स्टेटमेंट को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उन इक्वेशन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसा बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, अगर आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको वर्किंग रूल बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाया गया है। ठीक है जी, वैसे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन बनाते हैं यही सीखना है। सॉल्यूशन तो वैसे ही करना जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में या पीछे वाले पार्ट में किया था। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को हमने पहले कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 5 to 6 पार्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, 3.3 एक्सरसाइज के अंदर, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर। तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिलेगी, उस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाएंगे, और उन इक्वेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, अगली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन से, उससे अगले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उससे अगले में पुटिंग मेथड से। इससे पहले हमने कहाँ से किया, ग्राफिकल मेथड से किया। स्टेटमेंट वही है, इक्वेशन भी वैसी ही बनेगी, बस सोल्व करने का तरीका आपको अलग अलग सिखाया जाता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे आज। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसने स्टेटमेंट दी है, क्या स्टेटमेंट दी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 दे दिया। अब दो नंबर का डिफरेंस तभी आ सकता है जब दोनों नंबर क्या होते हैं, एक लार्जर नंबर होता है, एक स्मॉलर नंबर होता है। क्योंकि अगर दोनों नंबर सेम है तो उनका डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। तो यानी कि वो आपको इनडायरेक्ट रूप से स्टेटमेंट देगा, आपको उसके अंदर से अपने काम की चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर अगर उसने बोला है तो यानी कि उनमें से एक नंबर बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर, तो वहीं लेके चलेंगे हम। जो हमें फाइंड आउट करना होता है, मैथमेटिक्स का यही रूल है, जो आपको फाइंड आउट करना है उसी को आप लेट करके चलोगे। अगर एक नंबर फाइंड आउट करना तो एक्स, दो है तो एक्स और वाई, जो भी स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट का प्रयोग करूँगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो बात करते हैं, लेट लार्जर नंबर, क्या लेके चलेंगे, लार्जर नंबर, दोनों में से बड़ा नंबर क्या मान लिया अपन, एक्स। लेट स्मॉलर नंबर क्या मान लिया हमने, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट कंडीशन की। ठीक है भाई, क्या दे दिया इसने, डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना दे दिया। अब डिफरेंस प्लस का कब आएगा, जब बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या को माइनस करोगे, छोटी, इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1, आप यहाँ इसको छोड़ सकते हो। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, ठीक है जी, लार्जर नंबर क्या दे दिया, 3 टाइम दे दिया, किसका, स्मॉलर नंबर का, 3 टाइम क्या दे दिया। अब अपने पास लार्जर नंबर है क्या और स्मॉलर नंबर क्या है, वाई, इक्वल टू 3y। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, या कुछ और दिया है, ये तो नहीं दिया, कोई और डिफरेंस दिया मिलेगा आपको, ए नंबर है, कन्फर्म है। अगर यही स्टेटमेंट है तो अपने पास इक्वेशन आ गई, अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की, एक्स की इस वैल्यू को पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हो, तो लिखोगे आप इसको पुट इन इक्वेशन। ठीक है जी, तो एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू कितनी अपने पास, माइनस में क्या है, वाई, इक्वल टू 3 माइनस 1 करो कितना बचेगा, इक्वल टू, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे, वाई की वैल्यू कितनी, इस y की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, x इक्वल टू 3 इंटू में 13, कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है जी,
यही आपका सोल्यूशन x और y की वैल्यू। आप लिखोगे x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। ये दो नंबर ऐसे हैं और जब इनका डिफरेंस करोगे 39 माइनस 13 करो तो 26 बचेगा, और ये वाला नंबर इसका 3 times भी है। समझ गए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आपको मैं इस क्वेश्चन को रिपीट इसीलिए करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट के अंदर से किस प्रकार से इक्वेशन बनानी है वो आपको सिस्टम समझ में आ सके। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, जब भी आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर यही जा करके देखना कि आपको फाइंड आउट कितनी वैल्यू करनी है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है या दो वैल्यू। अगर दो है तो दोनों को लेकर चलेंगे, एक को लेट करोगे एक्स, एक को लेट करोगे वाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गलती से पहले वाई भी मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो आप, एक्स भी मान सकते हो। समझ गए, एग्जैक्टली आप इसकी बजाय भी एक्स की बजाय यहाँ लिखोगे लार्जर नंबर और इसकी जगह लिखोगे स्मॉलर नंबर। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस किसी बच्चे ने इसको वाई मान लिया और इसको एक्स मान लिया, दो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लेके चलते हैं, एक बच्चा इस हिसाब से लेके चलता है और एक को पहले वो स्मॉलर लिख देता है और बाद में लार्जर। समझ गए जी, तो अगर आप एक्स चेक करोगे आंसर को तो कुछ बच्चों की आदत होती है, मेरा एक्स तो आया 13, तेरा एक्स आ गया 39, ये तो उत्तर गलत आ गया। अब ये आंसर गलत नहीं है, आपने एक्स को लेट क्या किया है, स्मॉलर नंबर लेट किया है या लार्जर नंबर। तो आप ये ध्यान रखोगे कि एक्स आप किसके रेफरेंस में लेके चल रहे हो, किसको लेट करके चल रहे हो, लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर। ठीक है जी, तो आप बल्कि इसको ऐसा लेके चलोगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी आप आंसर ऐसे चेक करो कि आपका एक वैल्यू क्या आई है 13 और एक वैल्यू क्या आई है आपकी 39। समझ गए, तो किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाई चांस गलती से इन नंबर को आगे पीछे कर सकते हो, आपको देखना कि वैल्यू किसकी आई है। ठीक है जी, जो 39 है ये लार्जर नंबर है और 13 क्या है स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया इसने लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर देखो, किसी बच्चे और कोई क्वेश्चन उतारना है तो आप वीडियो को बीच में रोक करके और पूरी की पूरी स्टेटमेंट बुक के अंदर मतलब वीडियो के अंदर से रिकॉर्ड कर सकते हो, कभी आप सोचो। और अगर आपको समझ में बाई चांस मान लीजिए कि आपका स्किप हो गया, बीच में से कोई फ़ोन आ गया या किसी ने बीच में आपको रोक दिया और आप लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और बीच में से आप भूल जाते हो, तो आप वीडियो को बैक करके दो बार तीन बार पांच बार रिपीट कर करके बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये स्टडी मटेरियल होता है, मेथड होता है किन्हीं भी चीज़ों को करने का। तो सेकंड क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, कैसे एंगल आपके पास सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज वाली चीज़ ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम क्या होता है 90 degrees, और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 degrees। बस आपको इतनी छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको ये जानकारियाँ है तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ऐसा ही दिया गया है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इसने इनडायरेक्ट रूप से बोला है कि एंगल तो सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों का सम कितना है 180, लेकिन दोनों एंगल सेम नहीं है। इसने ऐसे ही बोल दिया, लार्जर ऑफ टू का मतलब दोनों में से एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा, और कंडीशन ये दे दी जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 degrees ज़्यादा है, 18 degrees। ठीक है जी, तो दो कंडीशन बन गई अपने पास। लिखेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट, लेट लार्जर एंगल, क्या मान लिया हमने एक्स, और स्मॉलर एंगल क्या मान लिया हमने वाई, अकॉर्डिंग टू दो कंडीशन दे दी। ठीक है भी, एक तो क्या बोल दिया एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री, यही बात बोल दी। इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स प्लस वाई कितना होगा, इक्वेशन नंबर वन। दूसरी कंडीशन क्या दे दी भाई, जो लार्जर है लार्जर एंगल वो क्या दे दिया, स्मॉलर में जब 18 ऐड करेंगे तब जाके इक्वल होगा, यही बात होगी भाई, बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि छोटे वाले में 18 जोड़ूंगा तब जाके सिस्टम क्या होगा, बैलेंस होगा। तो लार्जर एंगल क्या अपने पास x, स्मॉलर क्या है y, प्लस में 18, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, तो x की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x की जो क्या रख दिया हमने और प्लस में क्या है ये इक्वल टू क्या है 180। इस 18 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, y प्लस वाई क्या होगा, ये उधर माइनस होगा तो 162। ठीक है जी, 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 81, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए
81 प्लस में 18 कितना बचेगा 99। समझ गए जी। तो ये आपका लार्जर एंगल आया है और ये आपका स्मॉलर। एक्स क्या था? लार्जर एंगल। मैंने ये अभी रिपीट किया था, वही बात है, कोई बच्चा उसको एक्स और वाई अपोजिट मान सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि लार्जर वैल्यू क्या है, स्मॉलर वैल्यू क्या है। आप एक्स और वाई की वैल्यू रिपीट नहीं करोगे। जिन क्वेश्चन के अंदर पहले से इक्वेशन गिवन है वहाँ पर तो एक्स वाई की वैल्यू आप चेक कर सकते हो आंसर के साथ। अदरवाइज जिन में आप लेट करके चलते हो तो आपको देखना कि आपने लेट क्या किया, उसका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। ठीक है जी, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन कैसे? जब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 3.1 जहाँ पर आपने क्वेश्चन किए थे ग्राफ की मदद से, कौन से मेथड से किए थे? ग्राफ मेथड। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो कौन सा मेथड है? ग्राफ मेथड। तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर एक क्रिकेट कोच की बात हुई थी, और क्रिकेट कोच क्या करते हैं, बैट और बॉल खरीदते हैं, दो बैट पांच बॉल इस टाइप से कुछ, ऐसा ही क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आया आपके पास। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आपको क्या सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन की सिर्फ इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, उसके बाद सोल्व आपको करना है। ठीक है जी, वो आपका वर्किंग रूल रहेगा। तो बात करते हैं दोबारा से, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट करोगे आप, यहाँ किसकी बात हुई है, बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है आपको? कॉस्ट फाइंड आउट करनी। तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, प्रत्येक बैट की कीमत कितनी मान ली हमने, एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितनी मान ली हमने, वाई रुपीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो कंडीशन, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन में बोलो कितने बैट बोल दिए इसने, सेवन बैट एंड सिक्स बॉल। सेवन बैट प्लस में सिक्स बॉल्स कितने रुपए लगे, 3800 रुपये। यही बात है, तो बैट की कीमत कितनी, x प्लस में 6y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब उसने बोल दिया कि उसके पास बच्चे ज़्यादा हो गए, तो दोबारा से उसको बैट और बॉल की ज़रूरत हो गई। ठीक है जी, तो दोबारा से उसने बैट खरीदे, कितने बैट खरीदे, 3 बैट एंड 5 बॉल। 3 बैट्स प्लस में 5 बॉल्स कितने रुपए के, ये कितना बनेगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व करोगे, बाई चांस जैसे आपने यहाँ से 3x की वैल्यू निकाली, कितना बनेगा ये, माइनस में 5। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 750 माइनस में 5, वाई में 3। एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सोल्व करेंगे उसको, कंप्लीट सोल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकलेगी, वाई। हो सकता है 50 आ जाए, 100 आ जाए, 150, 200, 300 कितनी भी आ सकती है। उस वाई की वैल्यू को आप इसमें 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 या इसमें किसी में भी पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में। ठीक है जी, वहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स। एक्स की वैल्यू 400, 500, 350, एनीथिंग, कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती है। यानी आगे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की ये वाली वैल्यू इसके अंदर, वाई का आंसर आएगा, वाई की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स का आंसर। ठीक है जी, आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले भी आ चुका है, अभी भी आ चुका है। अभी मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बना करके दूंगा, इक्वेशन आपका होमवर्क रहेगा, आप उन सभी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करोगे और आंसर लिखोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलो क्या। देखो जी, जब भी हम किसी शहर की बात करते हैं, बड़े शहर की, तो जैसे अपने पास क्या होता है, दिल्ली में क्या चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है, अभी बात किसकी चल रही है, बुलेट ट्रेन वगैरह की चल रही है। ठीक है जी, वैसे ही गाड़ियाँ चलती है, वैसे ही कुछ व्हीकल होते हैं जिनको हम किसी कोस्ट पे किराए वगैरह पे ले लेते हैं, तो उनका क्या होता है, एक फिक्स किराया होता है। क्या होता है उनका, एक फिक्स किराया होता है। तो जो बड़े शहरों में टैक्सी चलती है तो उनका दो प्रकार का किराया होता है, एक किराया होता है उनका फिक्स चार्ज। ठीक है जी, जब आप बुकिंग करते हो तो उसका क्या लगता है, फिक्स चार्ज। लेकिन बुकिंग करने के बाद, क्यों ये सिस्टम क्यों चलाया गया, क्योंकि लोग क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, बाद में उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो किसी कंपनी वगैरह ने क्या कर दिया, अगर आप बुकिंग करते तो आपका बुकिंग चार्ज रहे, कुछ भी चार्ज हो सकता है, 5 रुपये हो सकता है, 7 रुपये हो सकता है, 2 रुपये हो सकता है। जब भी हम कोई टिकट लेते हैं, आपको पता हो ट्रेन वगैरह की टिकट जब आप खरीदते हैं, अगर आपको नहीं जाना और आप टिकट वापस करते हो तो आपको कंप्लीट पैसे वापस नहीं मिलते, उसमें से कुछ कॉस्ट को क्या किया जाता है, कट किया जाता है।
ठीक है जी, जुर्माने के रूप में जो भी है, जब भी आप किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हो, ये सारी एक ही टाइप की चीज़ें हैं। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहाँ से एडमिशन कैंसिल करके अगर आप फीस वापस का दावा करते हो, तो आपको कंप्लीट फीस वगैरह वापस नहीं मिलती, कुछ क्राइटेरिया होता है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोल दिया, जो गाड़ी है उसका एक तो फिक्स चार्ज है, एक तो कैसा चार्ज है, और फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा मीटर के हिसाब से, जो उसका मीटर चलता है कि कितने किलोमीटर की आपने डिस्टेंस कवर की है। तो दो प्रकार का चार्ज है, तो दोनों प्रकार के चार्ज को हम लेट करेंगे, एक को एक्स और एक को वाई, हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। दो फाइंड आउट करने इसलिए तो दोनों को लेट किया है, अगर एक ही फाइंड आउट करना होता तो एक को लेकर चलते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लेके चलेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है जी। फिक्स चार्ज कितना मान लिया हमने, एक्स रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज बोल सकते हो, पर किलोमीटर चार्ज बोल सकते हो, कितना मान लिया हमने, वाई रुपीज, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दे दी इसने, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन ठीक है भाई, फर्स्ट कंडीशन में चार्ज फॉर 10 किलोमीटर 105 दे दिया क्या, 10 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, लिखेंगे कि चार्ज फॉर 10 किलोमीटर कितना रुपए, 105 रुपीज। अब जो ये 10 किलोमीटर है जिसका हमें चार्ज कितना देना पड़ा, 105 105 रुपीज। इसके अंदर दो चार्ज है, एक तो बुकिंग का चार्ज है और एक क्या है, पर किलोमीटर। देखो जी, हमें ये वाला चार्ज तो गिवन है, ये तो फिक्स है, आप चाहे 5 किलोमीटर की दूरी तय करो, चाहे 50 किलोमीटर की, चाहे 500 किलोमीटर की, तो आपको एक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, ये तो सर्विस चार्ज है उसका, समझ गए जी। उसके बाद एक किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, एक वाई, और 10 किलोमीटर के 10 वाई, समझ गए जी। तो इक्वल टू कितना होगा ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1। दूसरी कंडीशन चार्ज फॉर 15 किलोमीटर 155 रुपीज, ठीक है भाई, 155 रुपये। अब बात तो इसमें वही है भाई, फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर का कितना, 15 बाई इक्वल टू 155। आप या तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे या इसको, जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये उस साइड जाएगा तो माइनस के 15y, ठीक है जी। x की ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा करके इसके अंदर पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू है ये, प्लस में 10y इक्वल टू 105। आप मेरे को बताओ कि जब इसको लिखूंगा 155, ये कितना बचेगा, माइनस के इक्वल टू नंबर को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड, कितना बचेगा, कितने बच गए, 50, कैंसिल आउट करोगे तो 10। पर किलोमीटर चार्ज कितना रुपया आ गया, इस वाई की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आएगा एक्स की वैल्यू, 5 रुपीज। यानी कि उसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपये, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। वैसे तो यहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन इसने एक कंडीशन और बोल दी, अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब 15 किलोमीटर का मतलब क्या है कि उसको एक्स तो देना पड़ेगा, प्लस में 25 वाई, यही बात है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5, इसकी वैल्यू कितनी, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए जी। तो ये आपका आंसर है, इसकी जगह और कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, 25 किलोमीटर के बजाय कोई और भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकता है, समझ गए। जिन भी दो चीज़ों को फाइंड आउट करना उनको आप एक्स और वाई लेके चलोगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या दे दिया, एक फ्रैक्शन है, देखो जी, जो फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन है, इसने बोल दिया एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में दो ही चीज़ें यूज होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, दोनों ही फाइंड आउट करने होते हैं, बस आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है जी। कोई कंडीशन देगा उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका आपका, इसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया एज के ऊपर, किसके ऊपर दे दिया, एज, दो व्यक्तियों की, दो पर्सन की बात होगी, एज, दो पर्सन, दोनों जेंट्स हो सकते हैं, दोनों लेडीज हो सकते हैं, ठीक है।
फादर डॉटर हो सकता है और फादर सन हो सकता है। वही कंडीशन कुछ मिलेगी कि 7 ईयर्स एगो या 5 ईयर्स लेटर, जो क्वेश्चन आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ सोल्व करने हैं। बस वहाँ हमने ग्राफ से किए थे और यहाँ किससे करोगे आप सब सिचुएशन में। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की अभी फिलहाल। लेट न्यूमरेटर कितना मान लिया एक्स और डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी कि एक्स बाई वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी, दो कंडीशन मिलेगी। देखो जी, यहाँ पर अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और यहाँ पर भी क्या अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये क्या करेगा, इनके अंदर कोई वैल्यू प्लस माइनस करेगा, जिससे इसके अंदर कोई वैल्यू प्लस माइनस करने से इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, तो बताओ स्टार्टिंग में 2 ऐड किया कि 3 ऐड किया, 2 ऐड कर दिया बोथ न्यूमरेटर एंड, तो किसके बराबर वैल्यू बनेगी 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप यहाँ कंडीशन लिख सकते हो, जब इसने क्या कर दिया न्यूमरेटर के अंदर भी प्लस 2 कर दिया और डिनोमिनेटर में भी, तो वैल्यू किसके बराबर बन गई, और इसने अगर प्लस किया कि माइनस किया है, प्लस किया है, और जब 3 ऐड करोगे यही बात है, तो किसके बराबर दे दिया 5/6। ये दो कंडीशन अपने पास, इन दोनों कंडीशन को सोल्व करने के बाद 2 इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 11 की मल्टीप्लाई करोगे 11x प्लस में, इसकी मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 18, इसको उधर लेके जाओगे 11x इक्वल टू 9y 18 और ये माइनस होगा तो कितने बचेंगे 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9 - 4/11 ये वैल्यू आ गई। इसको वहाँ पुट करेंगे लेकिन पहले इसको सोल्व करने के बाद, जैसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा ये 16x प्लस में 18, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो, समझ गए जी, x की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें इसमें, समझ गए, 6 × में कितना रख दिया हमने बाई में 11 और 18 को उधर ले गए हम 5y, ये उस साइड जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 3। मल्टीप्लाई करो जी, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा माइनस में बाई में कितना है 11 इक्वल टू -3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 54y। घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ बच्चे फ्रैक्शन में वैल्यू देख के घबरा जाते हैं कि आंसर ठीक आएगा कि गलत आएगा, आपको स्टेप टू स्टेप करना आपका आंसर ठीक होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा ये 55y माइनस में 30। अब क्या करना है कि y वाली वैल्यू एक साइड और बाकी सब एक साइड, माइनस के ये इधर आके प्लस के। ठीक है जी, अब ये बताओ कि 55 में से 54 माइनस होगा तो एक बचेगा, कितने बचेंगे यहाँ पे 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, समझ गए। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसके अंदर पुट कर देना, कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा 7, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी। इसने लास्ट में आपसे वैल्यू पूछी फ्रैक्शन की, किसकी वैल्यू पूछी है, फ्रैक्शन क्या होता है x बाई वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 7/9, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे कन्फर्म है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर एलिमिनेशन मेथड की, एक नए मेथड की। यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे पहले ग्राफ से किए थे फिर सब्स्टिट्यूशन से, अब इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, नई एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। ठीक है।